विल्सन हॉस्पिटल द्वारा आज नॉन इन्विजिव वेंटिलेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जहां वेंटिलेटर से जुड़ी जानकारी दी गई, जिसका लाभ कई पीडियाट्रिशियन क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा लिया गया है। ऐसी जानकारी निल्सन हॉस्पिटल के डॉक्टर आनंद भूतड़ा द्वारा दी गई है। कोरोना महामारी के दौरान वेंटिलेटर का उपयोग बड़ी संख्या में हुआ था, इसलिए इसे सीखने की और इसे जानने की जरूरत है। इसे उद्देश्य से आज निल्सन हॉस्पिटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ऐसी जानकारी निल्सन हॉस्पिटल के डॉक्टर आनंद भूतड़ा द्वारा दी गई है। यहाँ पर पीडियाट्रिक और न्यूनेटल इंटेंसिविस्ट के रूप में काम करता हूँ। आज हम एक बड़ा नॉवेल वर्कशॉप ले रहे हैं नॉन इन्विजिव वेंटिलेशन पे। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि वेंटिलेटर जो हम लगाते हैं उसको हम एक अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी लोगों के अंदर में वेंटिलेटर से होने वाली कठिनाइयाँ या उनके गले में होने वाली परेशानियों को हम बचा सकते जब उनको हम कुछ अलग इंटरफेसेस के द्वारा यूज़ करते हैं, जिसको हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन कहते हैं। कोविड महामारी के समय से इसका उपयोग काफ़ी बड़ा है, पर हमें इसको सीखने की, इसके बारे में ट्रेनिंग होने की काफ़ी ज़रूरत है, और इसलिए ये वर्कशॉप आज पूरे दिन का हमने निल्सन हॉस्पिटल में रखा है। इस वर्कशॉप के दौरान 50 के ऊपर पीडियाट्रिशियन और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट यहाँ पर ट्रेनिंग और स्किल बेस्ड सेशन के लिए आए, और यहाँ हम लोग इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी कर रहे हैं और स्किल्स को भी रिफाइन कर रहे हैं। पण खूप से पेशंट्स ज्यांना नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन लागतं, याचं जे स्किल आहे, आर्ट आहे आणि सायन्स आहे, ते आज या कॉन्फरन्समध्ये डिस्कस झालं। आणि आमच्या ज्या फॅकल्टीज आहेत त्या मुंबईवरून आलेल्या आहेत, बँगलोरवरून आलेल्या आहेत, आणि या एरियामध्ये दिल्लीवरून आलेल्या आहेत, आणि आमचे जे एक्सपर्टाईज आहे, कारण आम्ही पण या ब्रँचमध्ये बरोच वर्षापासून काम करतो आहे, तर या सगळ्याचा एक चांगला सहयोग होता तो। तर हे जे आर्ट आहे खूप आवश्यक आहे, आणि याच्यामुळे बरेचसे आयुष्य आपले वाचू शकतात, आणि या दृष्टीने आजचे वर्कशॉप खूप चांगलं झालेलं आहे। वेंटिलेटर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन कई मरीज ऐसे होते हैं उन्हें इन्वेसिव वेंटिलेशन की जरूरत होती है, इसी के लिए इसका स्किल समझने की जरूरत है। और इसी संबंध में आज निल्सन हॉस्पिटल में वर्कशॉप आयोजित किया गया था, जिसमें इस संबंध में जानकारी साझा की गई। ऐसी जानकारी डॉक्टर सतीश देव पुजारी इन्होंने दी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।